हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विटीएसएन में। आज की इसमें हम बात करेंगे मैथ्स के एमसीक्यू के बारे में। देखिए पार्ट टू है, इससे पहले एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है जो कि आपका किससे था, मैट्रिक्स से था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही वहां पे आपको फिजिक्स की केमिस्ट्री की पूरी क्लासेस मिल जाएगी। तो ये देखिए आपका हेड कांस्टेबल जो कि आपका दूरसंचार विभाग का है और प्लस लैब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर रहेगा आज के दिन में, तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा। इसमें आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जितने भी एमसीक्यू कराए हैं उनका यहाँ पे आपको ब्रीफ में सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उसके बाद वीडियो को पॉज करना और अपना आंसर पूरा सॉल्व करना है। आंसर इसमें फिर बताया जाएगा, तो आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर पूरा इसको समझाया जाता है तो वहाँ पे आपके सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। अब देखिए अगर आपको ऐसा पूरा ब्रीफ में कैलकुलेशन वाली चाहिए वीडियो चाहिए तो वहाँ पे आपको कमेंट में बता देना या फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि ब्रीफ में समझा दीजिए करके। अभी क्या है, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर लेना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए आपको इक्वेशन दी हुई है 2y dx माइनस ब्रैकेट में आपका 3y - 2x है और dy = 0। तो आपका ये क्या है पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन बी है, ये क्या है आपका होमोजेनियस और लीनियर रहता है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फिर से कैलकुलेशन आपको दी हुई है, इसका आपको सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका dy/dx x log x + y = 2 log x। तो आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर कर लेना है। तो हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे, देखिए ऑप्शन आपको चारों इसी तरीके के मिलने वाले हैं वहां पे, तो log x इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको खुद ही देख लेना है जहां पर आपको समझ में नहीं आता। अगर कुछ चीजें नहीं आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी है, अगली बार से ब्रीफ में सॉल्यूशन के साथ बनाया जाएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है dy/dx = y - x, ब्रैकेट में x है, तो इसका आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए y - 1 और यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म में आपको y - 1 में दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका, मॉड के अंदर y - 1 = आपका है 0.5x² + c एंड y = आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए आपको फिर इक्वेशन दी हुई है x³ + 3xy² आपका dx + 3x² y + y³ dy = 0 है, तो c इज ए कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है, c कॉन्स्टेंट है यहाँ पे आपका, तो इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको चारों दिए हुए हैं, राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में x^4 + 6x² y² + y^4 = आपका c। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन इसमें पूरा समझाया गया कि कैसे इसको करना है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए आपके पास इक्वेशन दी है y = a e^3x + b e^2x, तो इसी को आपको सॉल्व करके यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास चारों दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया हुआ था, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 9y y′ + 4x = 0 आपको दिया हुआ है, तो y′ = dy/dx है आपका, सी आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनने की पूरी उम्मीद है। तो राइट आंसर इसका 4x² + 9y² = c है। अगले क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया हुआ है y³ dy/dx - x² = 0 और y0 = आपका 1 दिया हुआ है, तो y - 1 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए -2 - 1 0 या फिर 1, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 0 आता है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है, तो देखिए y - 1 = आपका 0 आ जाएगा। अगला आपको दिया हुआ है y³ dy/dx + x³ = 0 आपको दिया हुआ है, y0 आपको 1 दिया हुआ है और साथ में आपको क्या निकालना है इसमें, y - 1 इसमें निकालना है, वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ। एक सेकंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है dy/dt आपको दिया हुआ है -5y और आपको इनिशियल कंडीशन y की दी हुई है, यहाँ पे y = 2 है और t = 0 पे आपको t = 0 दिया है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है आपकी y की, वो कब करनी है आपको t = 3 पे आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है -5e⁻¹⁰, 2e⁻¹⁰, 2e⁻¹⁵ और 15e²। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो कि आपका क्या है, 2e⁻¹⁵ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है dq/dt + q = 1 और वहां पे आपको दिया हुआ है q = 0 और t = 0, तो यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या इक्वेशन बनेगा, qt = e⁻¹⁰ + 1, ऐसे आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा qt = 1 - t⁻¹⁰ - e⁻¹⁰
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आपको जीरो दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फिर से इसको निकालना है, तो वाई के फॉर्म में आपको निकालना है इसको। देखिए वाई इजिकल टू आपका क्या निकलेगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, वाई इजिकल टू वन अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, और यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा चैप्टर दिए नहीं है मैथ्स में, और मैथ्स में लगभग लगभग आपका जो लैब असिस्टेंट है 20 से 25 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। प्लस आपका वहां पे तो आपको पता ही है दूर संचार में आपका कितने क्वेश्चन बनेगा, तो वहां पे आपका सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज दी हुई है, फिजिक्स और मैथ्स, तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं यहाँ पे दूर संचार के लिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दी हुई है डीवाई बाई डी एक्स माइनस माइनस एक्स अपॉन वाई, तो एट आपको एक्स इजिकल टू वन दिया हुआ है और वाई इजिकल टू आपका अंडर रूट थ्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अब आंसर क्या निकालना है, तो किस फॉर्म में निकलेगा, तो इसका आपका राइट आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आपका 4 आ जाएगा। देखिए पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। यहाँ पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम में से एक एक या दो क्वेश्चन आपके बनने तय हैं, और बहुत सारा छोटा सा टॉपिक है, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। अगर ब्रीफ में इसके बारे में वीडियो चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन इसमें करनी है, तो उसके बारे में आप कमेंट लिख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए मिनिमम वैल्यू इसका पूछा जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, तो इसका ऑप्शन 1/2, 3/4, 7/4 और 1/4 आपको दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका 7/4। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मॉड के अंदर x प्लस 3 है और फिर मॉड आपका क्लोज कर रखा है माइनस 2 हो गया, तो यहाँ पे इसका आपका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो 1, 2, माइनस 2 या फिर माइनस 5, तो राइट आंसर इसका माइनस 2 आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है 3x^4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, और यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, किस पे मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो 1, 2, माइनस 2 या फिर 0, तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसके आपके आंसर में पूरा यहाँ पे फंक्शन समझाया गया कि आपका एफ डैश अगर 0 होता है तो क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो उसमें कौन सी कंडीशन रहती है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको यहाँ पे ये दे दिया है तो आपका क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा मिनिमा रहेगा, और अगर ये कंडीशन रहेगी तो आपका यहाँ पे मिनिमा रहेगा मैक्सिमा रहेगा, तो इस तरीके से भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है और साथ में आपको फंक्शन दिया हुआ है x³ माइनस 12x² प्लस kx माइनस 8, तो आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू इसकी, और आपको इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे 0 और 3, तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वैल्यू पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके 23, 34, 36 और 35, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है 36 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो फंक्शन आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा था, मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है माइनस 120, माइनस 126, माइनस 128 या इसमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा आपका माइनस 128। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फंक्शन, इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 6, तो इसको आपको निकाल लेना है, तो x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 या फिर 2 या फिर माइनस 1, तो राइट आंसर इसका माइनस 2 हो जाएगा, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला नंबर का ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है e^x, और इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए लोकल एक्सट्रीम वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पे देखिए लोकल एक्सट्रीम वैल्यू आपकी, अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया, 102.81 या फिर इसमें फाइंड नहीं कर सकते, तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि हम इसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसका और या मिनिमम इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजल टू ब्रैकेट 5x माइनस 1 की आपका होल स्क्वायर प्लस आपका 4 दिया हुआ है, तो इसका आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो 4, 2, 3 या फिर आपका कोई नहीं इसमें से, तो राइट आंसर इसका आपका निकलेगा 4 निकलेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में इस तरीके से भी आपसे वहां पर पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो आपको ये दोनों तरीके की देख के जाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, एफ एक्स इजल टू 2 sin x प्लस sin 2x माइनस 1 आपको दिया हुआ है, तो क्या निकलेगा, पाई या पाई बाय 3, पाई बाय 6 या फिर पाई बाय 2, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाई बाय 3। कैसे करना है यहाँ पे आपका पूरा ब्रीफ में दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अगला। आप देखिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि मुझे मिले थे, तो यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर लेना है, ये पीडीएफ आपको पूरी सॉल्व कर लेनी है। देखिए यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन दिए, 1, 2, 3 आपका यहाँ पे पूरा इसी चैप्टर से 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और अलग अलग टाइप के, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो देखिए ऐसी आपकी ये सीरीज चलती रहेगी, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आपको फिजिक्स इसमें पूरा कंप्लीट करा दिया जा चुका है और प्लस केमिस्ट्री आपका लगभग आधा पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यू आप पूरा देख सकते हैं, और जो आपके दूरसंचार विभाग वाले हैं वो यहाँ पे फिजिक्स पूरा इसी
आपको प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी, वहां से आप पूरा फिजिक्स वहां से देख सकते हैं। और साथ ही में एमसीक्यू आप पूरा लगाना स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाले हैं, एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं दूसरे पोस्टों के, तो इसका भी आप जल्दी एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको दूरसंचार का मिलेगा, उसके बाद आपका लैब असिस्टेंट का होने वाला है, तो वो अगस्त का भी प्रस्तावित तिथि उसकी दी हुई है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।